गाइस वेलकम बैक टू सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। एंड ये कल का है जहाँ पे आपको टीम सोल का 28 फिनिशेस के साथ और साथ में 19 फिनिशेस के साथ चिकन डिनर देखने को मिलने वाला है। बाकी ये कल का है और कल अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि स्ट्रीम में प्रॉब्लम हो चुका था, स्ट्रीम बैक नहीं हो रही थी, स्ट्रीम का भी 24 मिनट का दिखा रहा था, इसकी वजह से कल अपलोड नहीं हो पाया। बट अभी वो फिक्स हो चुका है इसलिए मैं ये आज अपलोड कर रहा हूँ। बाकी चलते हैं हम सीधा ये स्क्रिम्स के मैच की तरफ। और चैनल पर जो भी नया सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही टीम सोल का अपडेट आपको मिलता रहेगा। एंड आज भी टीम सोल ने चिकन निकाला था 15 फिनिशेस के साथ, अगर आपको देखना है तो वेट कर लेना, ये वीडियो के अंदर में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी चलते हैं हम सीधा मैच की तरफ। की है सो कहीं ना कहीं यहाँ पर टीम आई क्यू सोल को वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पर मिला है लूट करने के लिए। यहाँ पर दो ओके, फिलहाल एक प्लेयर को करेंगे डाउन, दूसरे को पिस्टल के साथ करेंगे डाउन। सॉम है विद दो बैक टू बैक क्लचेस नॉकआउट यहाँ पर आते हुए और अब स्किप्स को भी वो एक फिनिश यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी सभी प्लेयर्स इसी एरिया के आसपास, एक इकलौते खिलाड़ी यहाँ पर बचे हैं और उनको भी यहाँ पर ढूंढा जा रहा है, जो कि यहाँ पर फिनिश ऑफ भी कर दिया जाता है और इसी के साथ साथ चौथा फिनिश भी। टीम आई क्यू इज रेडी, बट क्या सामने वाले वो प्लेयर्स रेडी है? वो एक क्लोज रेंज फाइट शॉट, जिनका पहला शॉट कनेक्ट होगा। टीम आई क्यू सोल यहाँ पर इस फाइट को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देती हुई 6 फिनिशेस निकाल चुके हैं। दो एक और टीम के दो प्लेयर्स को उन्होंने डाउन कराया है और जंप लेते ही साथ काफ़ी सारी टीम्स को इस बार यहाँ पर दिक्कतें जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर दे चुके हैं तरीके से यहाँ पर पॉसिबल होने वाला है। बट इसी के साथ साथ अगेन एक और प्लेयर काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहेंगे और यहाँ से कोशिश वो लगातार यहाँ पर करने वाले हैं कि कुछ और भी फिनिशेस जो हैं वो इस बार टीम के पास में आ सकें। बट इसी के चलते अगेन एक नॉकआउट यहाँ पर निकाल दिया जा चुका है, इजी फेज की तरफ से वो एक नॉकआउट निकाला गया है और अब कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है कि बाकी सभी टीम्स को भी इस मैच से यहाँ पर जो है वो फिनिश ऑफ कर सकें और देखते हैं उनको किस तरीके से इस बार फिनिश ऑफ किया जाएगा। फिलहाल प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे और अब टीम नंबर 19 वो लास्ट प्लेयर के साथ थे अलाइव, बट टीम आई क्यू सोल का इस मैच में बात करें वो पिक ऑफ कर सके। बट इसी के चलते अगेन एक और बार वापस से प्लेयर्स को स्पॉट करा जाएगा। टीम आई क्यू सोल के एक प्लेयर को डाउन किया गया है, स्किप्स फाइनली मैनेज टू टेक वन नॉक ऑन टू हिज अपोनेंट और अब सामने से जस्ट यहाँ पर कुछ और भी प्लेयर्स आने की कोशिश करेंगे, बट अभी वो एक अलग एंगल पर यहाँ पर रहने वाले। ओके, टीम नंबर 24 के प्लेयर्स ने वो काफ़ी अच्छे खासे नॉकआउट निकाले। अभी की तरफ भी वो एक ग्रेनेड यहाँ पर थ्रो करा गया, बट अभी वो उस ग्रेनेड को सर्वाइव करेंगे। बट अब शॉट्स यहाँ पर काफ़ी सारे कुछ शॉट गन के देखने को मिले, M4 पे यहाँ पर स्विच करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी उस टाइम पर। बट अगेन दूसरी तरफ से भी वो शॉट्स आ रहे थे, सामने जाएंगे अपने कवर्स के राउंड। रॉनी मैनेज टू टेक अनदर नॉक ऑन टू अवी और टीम आई क्यू सोल इस मैच से बहुत अच्छी तरीके से अपने फिनिशेस को कन्वर्ट कर रही है, अपने नॉकआउट प्लेयर को रिवाइवल से यहाँ पर दे रहे हैं और अब इसी के साथ साथ उन सभी टीम्स को भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है वो डाउन किया जा सकता है। फिलहाल 10 फिनिशेस टीम आई क्यू सोल के पास में आपको मिल जाएंगे और अब यहाँ से मूव इन करेंगे और टीम 41 प्लेयर्स रहेंगे और इस मैच से यहाँ पर कोशिशें काफ़ी ज़्यादा करते हुए, बट फाइनली यहाँ पर एक और प्लेयर उनको भी स्पॉट किया जाता है। फाइनली लास्ट प्लेयर वो भी कन्फर्म होते हुए और इसी के साथ साथ टीम ELF के प्लेयर देखते देखते एक और टीम जो है वो भी यहाँ पर इस बार डाउन कर दिया जाएगा और अब इसी के साथ साथ अगेन एक और टीम यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से कंफर्म होगी। बची है यहाँ पर लास्ट प्लेयर, उनको भी यहाँ पर रॉनी डाउन करेंगे और 14 फिनिशेज टीम आई क्यू सोल के पास में। बट अब एक और चैलेंज यहाँ पर वापस से तैयार हो चुका है, सॉमे यहाँ पर रहेंगे, स्किप्स नॉक्ड आउट है, स्किप्स को रिवाइवल देने की जरूरत। बट एक प्लेयर डाउन, दूसरे को यहाँ पर डाउन करा जाएगा, सॉमे का वो एक शानदार ग्रेनेड था और अब रॉनी वो क्लोज रेंज में एक और प्लेयर को डाउन करेंगे। ये क्या था, टीम DMC उनका भी एलिमिनेशन और 17 फिनिशेस ये टीम निकाल चुके। टीम DMC आई और टीम दे रही थी और अब देखते देखते काफ़ी सारे प्लेयर्स को डाउन कर जाएगा। स्किप मीनवाइल वो भी कोशिश करेंगे एक तरफ से यहाँ पर कुछ और भी फिनिशेस अभी अपने पास में बना सके और देखते हैं वो चीज़ें किस तरीके से यहाँ पर बन सकेंगे उनकी टीम के फेवर में, कैसे यहाँ पर वो आने वाले हैं। बट इसके साथ साथ यहाँ पर रॉनी आगे की तरफ, स्किप्स आगे की तरफ बढ़ रहे, रॉनी सबसे ज़्यादा आगे, स्काउट को नॉकआउट करा जाएगा और स्काउट वो इस ग्रेनेड के साथ किसी भी वक्त इस मैच से कंफर्म हमें होते हुए नजर आएंगे। स्किप्स विल बी द वन जो कि उनको फिनिश ऑफ करेंगे और अब यहाँ पर 19 फिनिशेज टीम आई क्यू सोल के पास में ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं। बची हमारे वो 25 से इसको 26, 27, 28 तक भी ले जा सकती है। सामने ही जैसे एक प्लेयर को स्पॉट करा गया रॉनी की साइड से, थोड़े से शॉट्स मिस होंगे बट फाइनली यहाँ पर सोमे का कवर फायर, एक और प्लेयर को डाउन किया जाता है और अब दोनों ही प्लेयर्स इनके जस्ट सामने हैं। रॉनी उनके पास में शॉटगन है, वो शॉटगन्स के साथ ही नॉकआउट निकालेंगे। रॉनी का एक और नॉकआउट और अब लास्ट प्लेयर बच चुके हैं, उनको भी यहाँ पर डाउन करा जाएगा। फिलहाल एक और टीम को यहाँ पर डाउन करते हुए 22 फिनिशेज, ये टीम करना क्या चाहती है इस मैच में, वो लिटरली एक नए रूप में नए लेवल पर दिख रहे हैं। और फिलहाल के लिए यहाँ पर देखा जाए तो
कहीं ना कहीं यहाँ पर इसी के साथ साथ नकुल फाइनली वो नॉकआउट दिखा लेंगे। वो जा कहाँ रहे थे आप, एविल इतना ज़्यादा एग्रेस नहीं करना था, नकुल की पोजीशन का तक का उनको मालूम नहीं था और नकुल को ज़रूरत है कुछ ग्रेनेज की, बट नो सिज स्किप दिस टाइम। गॉड जी ओपी वो यहाँ पर आगे की तरफ गए थे, गॉड जी ओपी को डाउन किया गया एंड नाउ जैप वो यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज दिए हैं अपने अपोनेंट्स को यहाँ से एक तरफ से। जी स्लग को स्किप्स डाउन करेंगे, दो दो टीम्स के अगेंस्ट एक साथ फाइट ले रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा सा खराब साबित हो सकता है। रॉनी को जस्ट अभी नॉकआउट किया गया है। मीन वाइल एक और टीम का एलिमिनेशन, नकुल बढ़ेंगे आगे, 26 फिनिशेज यहाँ पर आ चुके हैं, 27 और 28 वहाँ सामने हैं। हाँ प्रिडिक्शन तो है, जो 28 फिनिशेज निकाले थे वो आ भी रहे हैं और 28 फिनिशेज इस लॉबी में करना वो बिल्कुल भी आम बात है नहीं। 100 में क्लोज इन कर सकते थे, 100 में ने थोड़ा सा यहाँ पर रुकना प्रेफर करा क्योंकि दो प्लेयर डाउन है और ये एक बहुत अच्छा मूव क्योंकि उनको मालूम था यहाँ पर वो इतना ज़्यादा आसान नहीं हो सकता। कभी भी वो कुछ भी यहाँ पर ख़राब चीज़ें हो सकती है और वो इस तरीके से थ्रो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। एक बहुत ही अच्छा मूव मैं मानूंगा यहाँ पर इस ये 100 का था, खासकर अगर 100 क्लोज इन कर जाते तो टीम को दिक्कतें हो सकती थी। और अब इसी के साथ साथ यहाँ पर वापस से वो एक और बार ग्रेनेड यहाँ पर किया जाएगा, सामने जस्ट फेंटा रहने वाले, फेंटा को भी स्पॉट किया जाएगा। शॉट से नकुल की तरफ से एक और शॉट, लास्ट शॉट, 8वां फिनिश और ये टीम कंट्रीब्यूशन कितना प्यारा था इस मैच में। टीम आईक्यू सोल 8 रॉनी 8 मूविंग कर चुकी है अपने अपने ड्रॉप पर और ऑलरेडी यहाँ पर कुछ टीम आईक्यू सोल उनके पास में यहाँ पर ड्रॉप क्लैशेज आए और टीम आईक्यू सोल ने यहाँ पर ऑलरेडी डाउन करना स्टार्ट कर दिया। 3 प्लेयर्स को डाउन करेंगे, लास्ट प्लेयर बचे हैं नाम सोच रहा हूँ, सोचते रहिए नाम आप ओमेगा और टीम आईक्यू सोल राइट नाउ इस मैच में तो काफ़ी सारे प्लेयर्स को डाउन करेंगे। रॉनी वो दूसरा फिनिश सिक्योर करेंगे, नकुल जस्ट नॉकआउट हुए और फिलहाल के लिए रॉनी की तरफ से काफ़ी सारे फिनिशेज निकालने की वो कोशिश यहाँ पर जारी रहेगी और अब यहाँ से वो कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए वो जो 5 फिनिशेज आ चुके हैं टीम आईक्यू सोल के पास में वो नंबर्स को यहाँ पर कंटिन्यूसली बढ़ाते हुए और अब यहाँ पर वो एक प्लेयर ओके आरजी प्लेयर 5 वो एक प्लेयर को यहाँ पर आकर वो फिनिश ऑफ कर जाएंगे और ये एक थोड़ी सी यहाँ पर भूल हुई थी इस बार। 100 की तरफ से आरजी प्लेयर 15 वो यहाँ पर ऊपर की तरफ ही देख रहे हैं, वो कंफ्यूज थे काफ़ी ज़्यादा, वो मारे तो मारे किसको, स्किप्स उनको डाउन करेंगे और अब ये बदला लिया जाएगा कुछ चाकू भूसे सब कुछ मार कर यहाँ पर रॉनी की तरफ से एक और प्लेयर को हिकिम के साथ कितना दूर उन्होंने डाउन कराया और अब वो एक और लास्ट प्लेयर उनके जस्ट नीचे रहने वाले हैं। रॉनी उनको स्पॉट करने की कोशिश ही कर रहे हैं और देखते हैं वो यहाँ पर किस तरीके से स्पॉट यहाँ पर कर सकेंगे। फिलहाल उनके जस्ट सामने प्लेयर थे रॉनी, वो यहाँ पर बचे हैं और रॉनी यहाँ पर 5वां फिनिश। रॉनी क्या कर रहे हैं वो इस मैच में, एस को डाउन करा है, 2 प्लेयर डाउन हो चुके हैं। एग्रेसिव कैंपर लेजिट जी उसको डाउन करेंगे, वो कुछ और एरियाज के अराउंड वो फाइट चल रही है और राइट नाउ अभी के लिए तो यहाँ पर ये सभी प्लेयर जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से फाइट से यहाँ पर बनाते हुए, टी प्रीडेटर काफ़ी सारे प्लेयर्स को डाउन कर चुके हैं और अब अगेन वापस से कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इन प्लेयर की तरफ से वो एक डायरेक्ट स्लैम इन आएगा। वो 3 प्लेयर क्लोजिंग करेंगे, 1 प्लेयर को डाउन करेंगे, लास्ट प्लेयर यहाँ पर ओके लास्ट तो 2 प्लेयर्स रहने वाले हैं। नकुल को यहाँ पर थोड़ा सा कवर में रहने की ज़रूरत है, एम्पायर किसी भी वक्त पिक ऑफ हो सकते हैं और प्रीडेटर बींग द लास्ट प्लेयर वो यहाँ पर रहने वाले हैं। बट गॉडजी ओपी क्या उनकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज है, अगर है तो यहाँ पर नकुल का एक ग्रेनेड उनको डाउन कर सकता है पूरी तरीके से इस मैच से और आई गेस नकुल इज हैविंग दैट आइडिया। फिलहाल रॉनी ओके वो एक ग्रेनेड स्किप्स की तरफ से उससे पहले वो रहेगा और इसी के साथ साथ 12 फिनिशेज ये टीम निकाल चुकी है बट प्रीडेटर ओके। बट एक तरफ से अगर हम लोग देखें तो टीम केएस गेमर राइट नाउ वो टीम नंबर 16 के प्लेयर्स को इस बार काफ़ी अच्छे तरीके से स्पॉट कर जाएंगे बट टीम आईक्यू सोल वो यहाँ पर अब टीम लेजिट को यहाँ पर निशाना बना चुके हैं, वो काफ़ी सारे प्लेयर्स को नॉकआउट किया जा रहा है। 8 फिनिशेज रॉनी यहाँ पर उनके नाम पर पूरा बाकी है, वो डबल डिजिट में मैच में यहाँ पर नंबर्स निकल आ सकते थे बट नकुल उनको मालूम था वहाँ पर प्लेयर है एक और अब रॉनी के हाथ में वो ग्रेनेड एक रहने वाला है। रॉनी की ग्रेनेड देखना होगा कितने ज़्यादा वो क्लोज अभी हो सकते हैं। फिलहाल के लिए वो ग्रेनेड इस बार तो यहाँ पर कनेक्शन नहीं ढूंढ पाए बट वापस से रॉनी को भी कुछ कवर्स में यहाँ पर जाना होगा और अब टीम आईक्यू सोल के लिए इस मैच में थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पर होती हुई बट देखते हैं रॉनी के मोलोटॉफ इस बार क्या वो कुछ कनेक्शन बनाएंगे। बाकी यहाँ पर अगेन एक और बार कोशिश करी जा रही है, नीचे सर्कल के बाहर प्लेयर्स काफ़ी सारे एलिमिनेट हो रहे हैं, टीम A7 के प्लेयर्स रहेंगे। ओके रॉनी काफ़ी ज़्यादा दूर देख रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर वो पास देखेंगे तो उनको काफ़ी सारे फिनिशेज मिल सकते थे। एक प्लेयर ओपन में गए थे उनको भी यहाँ पर स्पॉट करा, डाउन करेंगे नाउ ही इज हेडिंग टूवर्ड्स अ हायर ग्राउंड्स और जो कि एक बहुत अच्छा स्मार्ट मूव था बट अभी भी स्किप्स बाकी हैं और एक प्लेयर सामने वाली टीम का ऑलरेडी डाउन रहेगा जिनको कि रिवाइवल्स वो प्लेयर दे रहे हैं और अगेन स्किप के ऊपर अगर वो ग्रेनेड आ जाए तो दिक्कतें हो सकती है। बट रॉनी वो एक और फिनिश निकाल चुके, एक प्लेयर रिवाइवल दे रहे थे और उनको भी डाउन किया जाता है, वो पूरी की पूरी टीम
16 फिनिशेस हो चुके रॉनी अकेले, वो 10 सोलो फिनिशेस, और ये प्लेयर आज क्या करके मानेगा, एक और वो स्टन और आईसी पीछे की तरफ कूदे हैं रॉनी यहाँ पर, वो तो नहीं रुकने वाले हैं डेफिनेटली। और इसी तरीके से यहाँ पर अब टीम नंबर 21 के पास में अभी भी वो मैन एडवांटेज है, बट टीम आई क्यू सोल के पास में वो कॉन्फिडेंस का एडवांटेज है, वो एक्सपीरियंस का एडवांटेज है। और ये दो प्लेयर्स रहने वाले हैं सामने, जस्ट वो एक प्लेयर टीपी भी लेते हुए पीछे की तरफ, और दूसरी साइड से वो शॉट का है रॉनी खुद को हील अप करने की कोशिश। आईसी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं और खुद को रॉनी जो है वो हील अप करना चाहते हैं, बट हील अप कर भी जाएंगे। इसी के साथ साथ आईसी वो अभी भी एक हायर ग्राउंड के अराउंड यहाँ पर वो कोशिश करेंगे, बट रॉनी मिस करेंगे, बट नहीं आज के दिन पर वो ज़्यादा मिस कर नहीं रहे, वो 11वां फिनिश हो चुका है। स्क्रिप्ट फाइनली मैनेज टू टेक अनदर नॉक रेडन, ओके रोहन विल बी द लास्ट प्लेयर नाउ, एंड हीलिंग इस प्लेयर के पास में है नहीं, बट वो 11 हो चुके हैं, क्या वो 12 होने वाले हैं। रोहन अगेन गेट स्पॉटेड, अगर ये चिकन डिनर आया तो 19 फिनिशेज हो सकते हैं, बट स्किप्स टेकिंग हिम डाउन। टीम आईक्यू सोल